जिया का सपना कोई सपना नहीं था। वो जान गई थी कि अभय की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। मगर मैं भी ये जान गई थी कि उसके पास कोई सबूत नहीं था। होता तो अब तक वो पुलिस के पास चली गई होती। एंड देन आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि अगर बड़ा बनना है तो छोटे लोगों की छोटी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहिए। जिया मेहता वॉज अ स्मॉल फ्राई एंड आई wanted the big fish. Well, 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 Miss Myra Sinha. What a pleasant surprise. It's an honor, Mr. Prabhu. Is mulaqat ki koi khas wajah? Well, jaise ki aap jante hain, I'm the new marketing head. Aur Sabarwal Group ka ye tradition raha hai ki har top management member ko aapse milna padega and it's important. श्रीकांत सबरवाल के ट्रेडिशन पर पहले तो किसी ने गौर नहीं किया। तुम्हारे गौर करने की क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली मैं जानता हूं, करण सबरवाल ने तुम्हें डेट पे बुलाया है ना? आपके बारे में जो भी सुना था सही सुना था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक पत्ता भी हिलता है और आपको खबर हो जाती है। खबरों में मेरी दिलचस्पी इसलिए रही है क्योंकि खबरों में लोगों के राज होते हैं और ये राज ही तो हैं जिससे मैं लोगों को मजबूर करके अपने अरमानों को पूरा करता हूं। लेकिन तुम यहां मेरे अरमानों की बात करने तो आई नहीं हो। सो टेल मी, करण सबरवाल को डेट करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो? मैं सबरवाल ग्रुप को लीड करना चाहती हूं। मैंने नोटिस किया है कि सभी खूबसूरत औरतें डेंजरस नहीं होती हैं, लेकिन सभी डेंजरस औरतें खूबसूरत जरूर होती हैं। What's in it for me? As long as you don't want what I want, whatever it takes. Move my rook to H3. ये आप चेस खेल रहे थे फोन पे बिना चेस बोर्ड के? सब कुछ याद कैसे रहता है? 16 मोहरे 64 खाने, how difficult is that? So tell me, what's your price? मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ दिलचस्पी है खबरों में। I want to know everything. तुम किससे मिलती हो, किसके साथ बातें करती हो, किसके साथ खाना खाती हो और किसके साथ सोती हो, और जब सोती हो तो उसका फायदा उठाती हूं या अपना फायदा उठाने देती हूं? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। अब पता चला why you're single. As I said, whatever it takes. अब मैं करण और उसके फैमिली के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। श्रीकांत सबरवाल भले ही रिटायर हो चुका हो लेकिन कंट्रोल आज भी उसके पास है। हाँ, उसकी एक वीकनेस है। क्या नहीं, कौन? लेकिन उस वीकनेस को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैमिली डायनामिक्स। सबरवाल ग्रुप श्रीकांत के पिताजी ने शुरू किया था। श्रीकांत ने बिजनेस को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया, मगर जब वक्त आया कि कंपनी की बागडोर नए कंधों पर रखी जाए, श्रीकांत ने अपने बड़े बेटे और बेटी के बजाय सबसे छोटे बेटे करण को चुना, क्योंकि श्रीकांत सबरवाल की वीकनेस करण है। वो करण के अलावा किसी और को काबिल नहीं समझता। अंग्रेजी में एक कहावत है, अ क्लेवर गर्ल क्लाइम्स द लैडर लैड बाय लैड। करण माय डार्लिंग इज योर लैड। ये गरम पराठा तुम रखो, मुझे ठंडा चलेगा। आकाश जी। पापा, हाउ इज द एग्जीबिशन दिस टाइम? ओह, इट वाज ग्रेट, कंप्लीट सेल आउट। इनफैक्ट वन ऑफ माय पेंटिंग्स वाज द हाईएस्ट ग्रॉसर। ओह रियली, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे हाउ मच इट इज सोल्ड फॉर? 18 लाख। शहर की सबसे बड़ी आर्ट क्यूरेटर अनीता मेहरोत्रा, उसने भाई की सारी पेंटिंग्स खरीदी है। दूसरों की जिंदगी में झांकने की अभी तक तुम्हारी आदत नहीं गई ना करण?
पापा ने तुम्हें इतने बड़े एम्पायर का एमडी बनाया है, वक्त कैसे मिल जाता है तुम्हें टू कीप अ ट्रैक ऑन एवरीवन्स लाइफ? हाँ प्रिया, जिस बात को तुम बुरी आदत समझती हो, हकीकत में वो ही करण की खास बात है, खूबी है। यू नो ही डज एवरीथिंग मेटिकुलसली। उसे जिस बात में, जिस विषय में दिलचस्पी होती है, उसके बारे में वो हर एक बात जानकर ही रहता है। एग्जैक्टली पापा। एक और सच है, करण सबरवाल शादीशुदा है, मगर उसकी बीवी सिंपल और घरेलू टाइप से है, इसलिए करण को ग्लैमर बहुत पसंद है। सो बी एट योर सेक्सीएस्ट। Looking high at an old crisp memory, hearing echoes of what was said. I keep winning in my hate. How long can I stay? Thank you. Well, I would like a sauté foie gras with black pepper and a Cabernet Sauvignon to go with it. So? कहाँ से शुरू करें? Stage is all yours. Okay. Well, you've ordered for red wine. That shows you are humble, organized, and adventurous. और तुम्हें देख के लगता है that you must be into jazz music, right? Okay. You have ordered for foie gras. Strange choice, and with black pepper. Spicy risk taker. तुमने दुनिया देखी है और इसीलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं. So you are a type A overachiever. Well, I am impressed. Your turn. My turn? Because तुमने cheating की है. Cheating? Yes. How? Waiter को इशारों में ही अपना order समझा दिया. So. So तुम मुझे कैसे जानोगे फिर? कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा. At your service, ma'am. हाँ, इसकी क्या जरूरत थी? देखिए मैडम, डिटेक्टिव तो आदत से मजबूर. पिछली बार जब आपके घर आया था तो देखा आपका किचन बेचारा सूना पड़ा है. लग रहा था कि काफी टाइम से वहां खाना बना नहीं और ना ही खाना बाहर से आया है. तो जाहिर हो रहा था कि आपका जो दिल का गुस्सा है वो सारा गुस्सा पेट पे निकल रहा है. तो पेट के साथ नाइंसाफी हो कि मुझे बर्दाश्त नहीं, इसलिए उसी प्रोटेस्ट के लिए. प्लीज. Thank you. I must say, आपके प्रोटेस्ट करने का तरीका ना बड़ा अनोखा है. जी बिल्कुल. वैसे प्लेट्स आप लेकर आएंगी या वो काम भी मुझे ही करना है?
I'll get it. The pizza is yum. Thank you. My pleasure. आपको अच्छा लगा ये जानकर मुझे अच्छा लगा. वैसे आपसे एक बात करूं. Sure. ये जो रिवेंज है ना मैडम बदला, इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. वो क्या? ये इंसान को उदास होने का समय नहीं देता. यहाँ आप उदास हैं और वहां आपका दुश्मन आपसे दो कदम आगे निकल जाता है. जासूस अपनी जासूसी से नहीं गया ना? क्या करें मैडम, आदत. कल मायरा करण के साथ डिनर पे गई थी. किसने किसको इनवाइट किया मैं ये तो नहीं जानता, पर दोनों सूरतों में फायदा मायरा का ही था. वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरी मदद क्यों करें? यूं समझ लीजिए दैट आई हेट बुलीज. मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो दूसरों का हक छीनते हैं. उसने मुझसे मेरा सिर्फ हक ही नहीं, उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है. मैं उससे उसका वो सब कुछ छीन लूंगी जो उससे प्यारा होगा. इन दैट केस मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टार्ट कहाँ से करते हैं. मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी क्रिकेट लीग के बारे में. सिपेट ब्रांड उस क्रिकेट लीग के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं. जाहिर सी बात है हर साल की तरह वो अपनी रिफ्रेशमेंट्स स्टेडियम में जरूर भेजेंगे. कल पहला मैच नेशनल स्टेडियम में. और मायरा के साइन के बिना कोई भी कोल्ड ड्रिंक का ट्रक गोडाउन से नहीं निकल सकता. कमाल है ना, ऑफिस में इस वक्त सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है. एंड लुक एट मी नाउ, यहाँ पे बैठ के पिज्जा खा रही हूँ. मुझे तो ऑफिस जाकर ही मेक श्योर करना है कि वो कोल्ड ड्रिंक के ट्रक्स कभी स्टेडियम पहुंचे ही नहीं. गेम ऑन मायरा जी. मैम आपने बुलाया था? अब ब्रिजेश जी, वो आज हमारा नेशनल स्टेडियम में एक फ्री रिफ्रेशमेंट का कमिटमेंट है, वो डिस्पैच हो गया? मैम उसी में लगा हूँ, जैसे ही मायरा मैम का साइन मिलता है मैं डिस्पैच करवा दूंगा. क्या ब्रिजेश जी, एक छोटा सा काम है, आप कितना टाइम लगाएंगे? एक काम कीजिए, आप फाइल मुझे दीजिए, मैं साइन लेकर आती हूँ. ठीक है. कम इन. मायरा, तुमसे कुछ बात करनी है. हमारे डिफरेंसेस को बुलाकर तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ. बिलीव मी, दिस टाइम बात तुम्हारे इंटरेस्ट की है. Here, take a look. जी, I don't have time for these games. I'm too old for this. Please go play with somebody else. Sign हो गया मैम? No. Myra ma'am is just too busy. मुझे एक बात बताओ. हाँ? कि इंसान बात से ज्यादा बात के अंदाज पे क्यों ध्यान रखता है? क्या मतलब? कुछ नहीं. मैम वो डिस्पैच चलन साइन हो गया? वो मायरा मैम ने बोला कि अभी उन्हें परेशान ना करो. मैम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. एक काम कीजिए, अब मेरे साथ चलिए. यू आर राइट मायरा, बट माय मेजर कंसर्न इज दिस रेड एरिया. आप फाइल मुझे दीजिए, मैं लेकर आती हूँ. मायरा, आई जेन्युइनली फील कि तुम्हें हमारे डिफरेंसेस को साइड में रख के ये यू शुड जस्ट हैव अ लुक एट इट. जिया, देयर इज अ लॉट ऑन माय प्लेट राइट नाउ, कांट यू सी? प्लीज मुझे परेशान मत करो, जस्ट लीव. ओके ओके मैम, एज यू विश. हाँ चंदन बोलो. सर एक प्रॉब्लम हो गई है सर. जो कोल्ड ड्रिंक का ट्रक स्टेडियम में पहुंचने वाला था वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है. सर सारे ऑर्गेनाइजर्स यहाँ बवाल कर रहे हैं कि हमारा स्पॉन्सरशिप कैंसिल कर देंगे. अरे पहुंच जाएगा ट्रक, तुम ड्राइवर को फोन करके पूछो कहाँ पहुंचा है. नहीं सर, ट्रक अभी तक गोडाउन से निकला ही नहीं है. व्हाट नॉनसेंस. हाँ सर एकदम सच बोल रहा हूँ मैं. या कम इन टू माय कैबिन राइट नाउ. ट्रक कहाँ है? सर वो मैं सुबह से साइन के लिए मायरा मैम के पीछे. किसका साइन? मायरा मैम का साइन ही नहीं हुआ है सर, मैं कैसे डिस्पैच कर सकता हूँ? मायरा
क्या तुम्हें अंदाजा है कि क्रिकेट लीग का हमारे एनुअल सेल्स टर्नओवर पर क्या कंट्रीब्यूशन है? Of course I know, Kunal. Well then, why the fuck did you stop the delivery today? What are you talking about? Myra, Myra, don't play these power games with me. करण के साथ एक डेट पर चले जाने से डोंट थिंक यू कैन साइड ट्रैक मी, ओके? बताओगे हुआ क्या है? हमारे स्पॉन्सरशिप्स वाली कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रक जो इस वक्त स्टेडियम में होनी चाहिए थी, अभी तक वेयरहाउस में है. Why? क्योंकि मायरा मैडम को साइन करने का वक्त नहीं मिला. Fucking ridiculous. My sign. लेकिन तुमने देखा ना? हाँ, लेकिन मैं डिस्पैच टाइम पे क्यों नहीं हुआ? मैम वो मैं आई थी तुम्हारे पास, कई बार आई थी इनफैक्ट, और तुमने हर बार मुझे वापस भेज दिया ये कहकर कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है. तुमने तो कहा था कोई जरूरी काम है. हाँ तो डिस्पैच जरूरी काम ही था, तुम्हें क्या लगा मैं क्या बात करने आई थी? ब्रजेश तुम जाओ. Yes, ma'am. Well played. I had underestimated GM Mehta. She was a small fry, but a big problem. Badla lene wale log bahut dangerous hote hain. Kisi bhi had tak ja sakte hain. Ek baat to tay thi. Meri aur meri kamyabi ke beech GM Mehta khadi thi.